प्राचीन समय में एक राज्य था जिसका नाम था रुद्रावण। यह राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सेन के लिए प्रसिद्ध था। वीरेंद्र अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरी कमी थी। उनका इकलौता बेटा रणायण, जब वह केवल 5 साल का था, जंगल में खेलते समय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस घटना के बाद रानी सौम्या की मानसिक स्थिति खराब हो गई और राजा वीरेंद्र ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन रणायण का नाम सुनते ही उनकी आंखों में दर्द झलकता था। एक दिन राज्य में एक अजीब सा साधु आया। उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। दरबार में उसने एक रहस्यमय बात कही, राजन आपका बेटा रणायण जीवित है, लेकिन वह आपके राज्य से बहुत दूर है। उसे खोजने के लिए आपको 3 संकेतों का अनुसरण करना होगा। राजा स्तब्ध रह गए। यह खबर सुनकर रानी सौम्या की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण चमकी। राजा ने साधु से पूछा कि संकेत क्या है। साधु ने कहा, 1, सिंह की गुफा में छुपा पहला रहस्य। 2, अदृश्य सरोवर के पास मिलने वाला दूसरा संदेश। 3, काल द्वार में छुपा रणायण का भाग्य। राजा वीरेंद्र अपने विश्वास पात्र सेनापति आर्यन के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में गहरी खोज के बाद उन्हें सिंह की गुफा मिली। वहां उन्हें एक रहस्यमयी धातु का ताबीज मिला, जिस पर कुछ लिपि में लिखा था, जो छिपा है वह सत्य है, जो सत्य है वह छिपा है। ताबीज में छुपे संकेतों को समझते हुए राजा और आर्यन दूसरे स्थान पर पहुंचे। एक अदृश्य सरोवर जो केवल रात के तीसरे पहर में चांदनी की रोशनी में दिखाई देता था। वहां उन्हें एक युवती मिली जिसका नाम धरा था। धरा ने बताया कि वह भी रणायण की तलाश में है। धरा ने बताया कि रणायण को त्रिकाल आर्षि ने अपने पास कैद किया है, क्योंकि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है जो या तो दुनिया को बचा सकती है या उसे नष्ट कर सकती है। अब राजा आर्यन और धरा काल द्वार की ओर बढ़े। यह द्वार एक विशाल पर्वत के अंदर था और इसे पार करने के लिए साहस और बलिदान की आवश्यकता थी। वहां त्रिकाल आर्षि ने उनका सामना किया। आर्षि ने खुलासा किया कि रणायण उनके पुत्र की पुनर्जन्म आत्मा है, जिसे उन्होंने एक शाप दिया था। लेकिन रणायण अब खुद की पहचान भूल चुका है। केवल सच्चे प्रेम और बलिदान से उसे याद दिलाया जा सकता है। आर्षि ने राजा वीरेंद्र को एक कठिन निर्णय लेने के लिए कहा। उन्हें अपने जीवन का त्याग करना होगा ताकि रणायण अपने अस्तित्व को पहचान सके। राजा वीरेंद्र ने बिना झिझक अपनी तलवार उठाई और अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी रणायण, जो अब एक युवा योद्धा बन चुका था, प्रकट हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यह सुनकर रणायण को अपने अतीत की पूरी याद आ गई। उसकी दिव्य शक्ति जागृत हो गई और उसने आरश्य को क्षमा मांगने पर मजबूर कर दिया। रणायण और वीरेंद्र रुद्रावण लौट आए। रानी सौम्या ने अपने पुत्र को देखकर खुशी के आंसू बहाए, लेकिन रणायण जानता था कि उसकी शक्ति उसे सामान्य जीवन नहीं जीने देगी। वह एक दिन राज्य छोड़कर चला गया, एक ऐसा भविष्य तलाशने जो केवल उसका था। यह कहानी सिर्फ खोए हुए बेटे को खोजने की नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाती है, क्या हमारा भाग्य हमारे फैसलों से तय होता है या हमारी नियति पहले से लिखी होती है? रणायण की यात्रा हर व्यक्ति की अपनी पहचान की खोज की यात्रा है।